लास्ट लेक्चर में मैं अब तक क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ, सिंटैक्स एनालाइजर की इंट्रोडक्शन, सीएफजीज क्या होते हैं, पार्स ट्री क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, अब हम सीएफजीज को आगे बढ़ाते हुए और डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। अभी सीएफजीज जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जो कि आप पाइथन पर चले जाएँ, सी पे चले जाएँ, सी प्लस प्लस पे चले जाएँ, सी शार्प पे चले जाएँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चले जाएँ, जावास्क्रिप्ट पे चले जाएँ, लूप्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोग्रामिंग के। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, फॉर का लूप, व्हाइल का लूप, डिफरेंस के स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉमन ही होती हैं। सिंटैक्स का फर्क होता है, हाँ मानती हूँ, बट बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोग्रामिंग के यही है, इसके अलावा इसके बाहर जो है प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसकी सीएफजीज और उसका पार्स ट्री पढ़ लेते हैं कि क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, सीएफजीज जो कवर होंगी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की करवाऊंगी, असाइनमेंट स्टेटमेंट की करवाऊंगी एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट की करवाऊंगी। डिक्लेरेशन, असाइनमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को एक ही लेक्चर में अपना मकसद ये है कि ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर का क्या मतलब है, इंटीजर इज इक्वल टू ए, बस। ठीक है, डिक्लेरेशन का क्या मतलब है, एक कोई वेरिएबल है जो कि मेमोरी में जगह अपनी ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, बट अगर हम उसी वेरिएबल में अगर हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, कोई एक और वेरिएबल असाइन कर देते हैं, हमें असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाती है। अगर किसी चीज़ में हमारे पास प्लस वन करते हैं तो हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट बन जाती है। तो इसके बारे में तीनों चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनकी सी एच भी ऑलमोस्ट सेम ही है, दैट्स व्हाई आई पुट इट इन द सेम लेच। ठीक है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की सी एच की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट सिंबल हमारे पास डिक्लेरेशन है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास चार चीज़ होती है। ठीक है, टीचर इज ग्रेटर दैन is identifier column, get identifier। अब इसके यहाँ पर दो रूल्स और, init और list, जिसको एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज़ आएंगे, init को एक्सपेंड करेंगे तो init के दो रूल। ठीक है, ये रूल्स क्या हैं, कैसे आते जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर ए डिक्लेयर हो गया, ए भी डिक्लेयर हो गया, ए इनिशलाइज हो गया, फिर ये हमारे पास तीनों चीज़ें एक है। अब हम एक इनपुट ले लेते हैं और पार्स करके देखते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी कि है क्या। ठीक है, इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट इज इंटीजर, कॉमा टी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू सेवन, कॉमा एक्स इज इक्वल टू सेवन कॉलम यानी कि टर्मिनेटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दी रूल के डिक्लेरेशन को हम एक्सपेंड करेंगे किसमें, चार चीजों में, डी टी आई डी इनिट और लिस्ट। हमने इसको सेम ऐसे एक्सपेंड कर दिया, डी टी आई डी इनिट और लिस्ट। हमें पता है डी टी क्या इंटीजर है, ये हमने लिया, ए क्या है आइडेंटिफाई हमारे पास हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉमा और बी चाहिए। हम ऐसे रूल्स की तरफ देखेंगे जहाँ हमें कॉमा मिल जाए, बी मिल जाए। कॉमा का सिर्फ और सिर्फ लिस्ट में जिक्र है, हम क्या करेंगे, लिस्ट वाली सी एफ जीज को यूज़ करेंगे, इस वाले रूल को यूज़ करेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ये अगेन चार चीज़ों में एक्सपेंड होगा, कॉमा आई डी इनिट और लिस्ट एज पर गिवन रूल। ठीक है, तो हमारे पास कॉमा आ गया, अब हमारे पास आइडेंटिफायर भी आ गया विच इज़ बी। अब क्या है, हमारे पास सी चाहिए, सी तो है इनिट और लिस्ट को हमें अगेन एक्सपेंड करना पड़ेगा, और हमें इनिट के हमारे पास दो रूल्स हैं जो कि इज इक्वल टू आइडेंटिफायर चाहिए एक्सपेंड करेंगे। ठीक
ठीक है, तो हमारे पास अगेन ये वाली रूल एक्सपेंड होगी। ठीक है, इसको हम चार में एक्सपेंड करते हैं, हमें कॉमा मिल गया, आइडेंटिफायर को एक्सपेंड किया तो हमें यहाँ पे एक्स मिल गया। टर्मिनेटर का रूल किस में जाके देखेंगे, वही देखो लिस्ट में, ये वाला लिस्ट है कौन किस वाले के एक्सपेंड करके यहाँ पे टर्मिनेटर रखते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू ऑल। और दूसरी बात ये कि इस रूल को देखें, पॉज करें वीडियो, अपने हिसाब से ये ऐसे इनपुट्स चेंज करें, खुद से करें और फिर मेरी वीडियो से दोबारा भी चेक करें, इस तरीके से ही आप सीख सकते हैं, अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा ट्रिकी है, सही है। और ये चारों रूल्स याद रखें और इन चीज़ों को देखें, आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा करती है ये वीडियो। ठीक है, मैं तो ये चाहती हूँ कि बस लोगों के लिए आसानी पैदा करूँ, पढ़ सकें भाई आसानी से, क्योंकि कंपाइलर के जो मैंने ये देखा था कि कंपाइलर के डिफरेंट लेक्चर्स बहुत सारे मौजूद हैं, बट ये कि समझ नहीं आ रहा है इस तरीके से, ये कुछ रूल्स अलग हैं, डेफिनेशंस अलग हैं, रूल्स के नाम चेंज हैं, लेकिन समझाते हैं कुछ और है। तो मैंने कोशिश की कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रखूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।